देखिए सवारी जा रही है यहाँ पर भगवान जी की। तो अच्छा खाना था एकदम एकदम ऐसा लगा गुजराती खाना। स्टेज है जहाँ पे प्रोग्राम होंगे इन लोगों के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा जैन टेंपल्स कारगो के, वहाँ पे आप लोग को दर्शन कराते हैं। लेट्स गो। हम लोग का एकदम अचानक से प्रोग्राम बन गया है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो जैन टेंपल आई हुई थी और कुछ बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो उन्होंने हम लोग को इन्वाइट किया था। तो हम लोगों ने अचानक से सोचा कि चलो संडे है, घूम के आ जाएंगे। और हम लोगों के स्कारब्रो के पास, मतलब स्कारब्रो जैन टेंपल है, पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं जैन टेंपल देखने के लिए और वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से कुछ, शायद मुझे लग रहा है इनॉग्रेशन है नए टेंपल का या कुछ, तो इसी वजह से कुछ एक्साइटिंग है। बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोगों के घर से लगभग 40 मिनट्स दिखा रहा था। तो लेट्स गो। दिया पॉपी पॉप खा रही है और हम लोग एकदम रेडी है, मास्क वगैरह लगा रखा है क्योंकि अभी थोड़ा ऐसे निकलना सेफ ज़्यादा है। खा लेती हूँ। अभी उतरे हैं बस सर सामने हम लोगों के, जैसे हम लोग लक्ष्मी नारायण जाते हैं ना, वहाँ पे भी एकदम बस जहाँ उतरती है वही मंदिर है, सेम ऐसे ही। देखो ये, देखो ये है जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो मंदिर। ये काफ़ी बड़ा है और शायद बहुत सुंदर मंदिर है। अब जाके अंदर देखते हैं। ये देखिए सवारी जा रही है यहाँ पर भगवान जी की। ये सारे ट्रक में मूर्ति विराजमान है यहाँ पे। जैसे जब हम लोग आए प्रोग्राम एकदम शुरू हो चुका था, थोड़ा सा हम लोग लेट थे और ये सारे ट्रक पूरी यात्रा करके आए हैं पूरी सड़क पर। और अभी मैं अपनी फ्रेंड से मिली नहीं हूँ, अंदर जाके जल्दी से मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे सब लोग नाच गाना चल रहा है बहुत अच्छे से, ढोल बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कितनी सारी मूर्तियाँ हैं आगे। ये सारे ट्रक हैं, 3 से 4 ट्रक हैं अभी, और आगे काफ़ी ढोल बजने की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ढोल बज रहा है, काफ़ी देर से बहुत दूर तक आवाज़ आ रही थी। और ये लोग सब अपनी कोई कोई टीम बना बना के डांस कर रहे हैं और काफ़ी मराठी ढोल है और बहुत देर से और ये लोग डांस कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त लग रहा है, मज़ा आ रहा है खूब ज़्यादा। आप लोग भी देख लीजिए, एकदम बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा है कि ये हम लोग यहाँ कनाडा में, बिल्कुल इंडिया वाला फील है। इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, मैंने ऐसा कभी इतनी ज़्यादा गैदरिंग कभी नहीं देखी है। इतने सारे मंदिर में गए लेकिन यहाँ तो मज़ा ही आ रहा है और खूब नाचे। अभी थोड़ी देर में हम लोग भी डांस करके जाएंगे क्योंकि तो रुका ही नहीं जा रहा है। सारे लोग अरे ढोल बज रहा है, डांस वांस और माइक को भी मज़ा आ रहा है, सब अपनी अपनी मस्ती कर रहे हैं और देखिए आप कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वाह, ये गरबा स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा मन कर रहा है डांस करने का, चलो वो डांस करते हैं। और जल्दी से ढूंढूंगी मैं अपनी नीमा दीदी को, ढूंढती हूँ, पकड़ती हूँ डांस के लिए। देखा जाए
हाँ जरूर। स्वादु स्वादु होय। देखो दोस्तों के साथ, देखो हाथ पकड़ के डांस वांस करने के बाद इतना मजा आ गया, बहुत टाइम के बाद डांस किया था और इतना अच्छा लग रहा है। स्वरी तो अपने दोस्तों में मगन हो गई है और मैं अपनी दोस्त से आपको मिलवाती हूँ, अंदर चल रहे दर्शन के लिए। ये है जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो। अब हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये एंट्रेंस है, अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। जैन टेम्पल आप बहुत मजा आ रहा है सच में। थैंक यू सो मच सच में। और अचानक प्रोग्राम बना है और अचानक ही हम लोग आ गए हैं और बहुत मजा आ रहा है सच में। बिल्कुल इंडिया वाला फील है। हम चल रहे हैं हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए ऊपर। काफी भीड़ है आज। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं यहाँ से। ये है पुराना वाला मंदिर और ये है दिगंबर जैन मंदिर। अब दर्शन करिए। बजा दो घंटी, बजा दो। ये है श्वेतांबर जैन मंदिर और ये तीन मंदिर है पास पास में ही है और ये पुराने मंदिर है। नए मंदिर में मूर्ति स्थापना अभी होगी, उसके बाद दर्शन होगा। जाओ जय जय करके आओ। दर्शन करने के बाद हम लोग खाने के लिए आ गए। बहुत जोर से भूख लग रही थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे खाने का टोली, सब इतना अच्छा भंडारा लग रहा है। यहाँ पे सब शेड्स है। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि ये वाला जो भोग है वो एकदम गुजराती भोग है, तो कनाडा में यहाँ पहली बार हम लोग खाएंगे। खाना वाना खा लिया है, बहुत अच्छा खाना था। एकदम ऐसा लगा गुजराती खाना। सुना कैसा लगा आपको मंदिर? कितना डिफरेंट टेस्ट था और मंदिर में आके लग रहा है जैसे दावत है, किसी का कोई प्रोग्राम है। सच बता रही हूँ, हालत देखो कैसी हो गई। और ये देखो ये सारा, ये इधर सब, ये सब टैप बने हुए हैं हैंड वॉश करने के लिए। ये देखो मेरे पीछे ये स्टेज है जहाँ पे प्रोग्राम होंगे इन लोगों के, जहाँ पर अभी बना है नया मंदिर और उसी मंदिर से कनेक्टेड। एक्चुअली यहाँ पे आज प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो उसी चीज़ का प्रोग्राम था। अब अंदर चलेंगे, देखेंगे नया वाला मंदिर। ये देखिए मंदिर अभी तो अभी रिसेंटली बना है नया वाला। ये आगे है जो मंदिर और उसको मैं आगे से दिखाती हूँ। ये सारे ट्रक आपने देखे थे, ये सब बन के ही आए थे, सारा भगवान वगैरह इसमें, और वो स्थापित होंगे। काफ़ी बड़ा मंदिर ये बना है। बाहर से मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो मैं नए वाले मंदिर के दर्शन करा दूंगी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। नीचे ही काफ़ी बड़ा स्टेज बना हुआ है, आपने देखा ही होगा। प्रोग्राम के लिए काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम पूरे एक हफ्ते तक चले।
लीजिए मंदिर, और इतना अच्छा लगा देख के, यहाँ पूरी गुजराती कम्युनिटी थी और जैन कम्युनिटी थी, मतलब गुजरात साइड के ही थे काफी सारे, श्वेतांबर लोग थे, दिगंबर जैन लोग थे। और इन लोग का प्रोग्राम पूरा एक हफ्ते तक चलेगा, 28 तारीख तक। मेरी जो फ्रेंड है उसका भी कुछ प्रोग्राम होने वाला है, तो वो भी हम लोग देखने के लिए आएंगे। नेक्स्ट वीकेंड भी काफ़ी कुछ प्रोग्राम है, तो अब इसी हिसाब से प्लान करेंगे। नया वाला मंदिर अभी नहीं देख पाए थे क्योंकि स्थापित हो जाएंगे भगवान जी, तब अच्छे से देखेंगे। बाहर से मैंने आपको दिखा दिया। और ये था हम लोग का जैन टेम्पल का ब्लॉग। मैं अब घर के लिए निकल रही हूँ, मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Say bye bye. Bye bye. Say bye bye.